So let's begin with mean deviation with continue series. Continuous series का question करना है हमको mean deviation, MD. अभी हमको मालूम है, क्या मालूम है? इश्क मासूम है, ये गाना है. हमको ये मालूम है कि continuous series mean deviation calculate कैसे होता है ना? Mean deviation calculate कैसे होता है? तो mean deviation मीन से कैलकुलेट होता है, मीन डेविएशन मीडियन से कैलकुलेट होता है, और मीन डेविएशन मोड से कैलकुलेट होता है. ओके, अभी समझे सर? मतलब क्या कहना चाहते हो? कहना तो मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, कहने लायक बचा ही नहीं हूं मैं. अब शुरू करें तो देखो बेटा, फार्मूला क्या होगा इसका? समेशन एफ नीचे, समेशन एफ और समेशन एफ. ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया. समेशन एफ, समेशन एफ, समेशन एफ. वाओ सर. अब आगे क्या? एम माइनस एक्स बार, ये दो ही साइड डंडे के लगा दिए, ये मॉड्यूलर कहलाता है, और ये माइनस वाली वैल्यू को प्लस की कर देता है. यहां पर भी एम माइनस मीडियन, और यहां पर एम माइनस जेड. अच्छा सर, सर ये छोटू सा एम का क्या मतलब है? ये जो छोटू एम है ना, दिस इज मिड वैल्यू गाइस, दिस इज मिड वैल्यू. ठीक है, आगे. अच्छा सर, अब लगे हाथ ये भी बता दो, कोफिशियंट कैसे निकालोगे? तो कोफिशियंट भी तीनों से निकलता है. कैसे? मीन डेविएशन कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मॉड. तुमने जिससे मीन डेविएशन निकाला है उसी से डिवाइड कर दो तो कोफिशियंट आ जाता है. मतलब जैसे तुमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला, तो कोफिशियंट निकालना है तो क्या करोगे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन. फिर इससे निकालना है तो कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन. इसका कोफिशियंट कैसे निकलेगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड डिवाइडेड बाय मॉड. तो क्या जाएगा? कोफिशियंट. और वैल्यू हमेशा कोफिशियंट की किस में आएगी? डेसिमल में. एक से बड़ा कभी भी कोफिशियंट नहीं होएगा. ठीक है, आगे बढ़े. चलो एग्जांपल. सर गाना है, छुप छुप के मिलने में मिलने का मजा आएगा, तो क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं, जब छुप के मिलना है तो फिर बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते हैं ना, कोई देख ना ले. तो ये तो तुमको दिख रहा है, इसमें कुछ हिडन चीजें हैं क्या? ये कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा और मोड निकालना पड़ेगा. कंटिन्यूस सीरीज में जो मीन मीडियन मोड के फार्मूले होते हैं वो तुमको आने चाहिए, है ना? सर खुला है, खुला है, ये मुझे करना था, पॉज कर. तो करते हैं हम एक क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर वन. ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल ये दिया है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10. ठीक है बच्चों, फिर दी है फ्रीक्वेंसी 3, 4, 2, 1. छोटी छोटी वैल्यूज लिखी है बुक वाले ने भी, बहुत सैनी टोपी है ये भी, समझ गया जबरन में बड़ी वैल्यू देने से मतलब नहीं है.
तो देखो पर्पज यदि तुम लोग पूरे ना हो, जैसे क्वेश्चन बुक में है, सॉल्व ना हो, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता जरूर देना, है ना सर? नो स्टडी नो प्रॉब्लम सर। अभी तुमको निकालना क्या है? मीडियन। लेकिन किससे निकालोगे, ये पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवेन होगा, मीडियन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें दिया है। सर नहीं दिया तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है ना? सबसे सस्ता वही है, बराबर। पहला कदम क्या उठाओगे बेटा? मिड वैल्यू निकाल लो। कितनी? 2 + 4 = 6/2 = 3, है ना? फिर 2 का गैप है तो 2 से बढ़ा दो, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, तो इसको 2 से बढ़ा दिया, ठीक। मिड वैल्यू आ गई। अब तुम मेरे को ये बताओ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन निकालो। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए? मीन। तो मीन निकालो। मीन का क्या फार्मूला? समेशन एफ एम, रेडियो बजाते रहो, समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 10। बस तूफानी उठा सकते हो आप, टेस्ट द थंडर। चलो तो यहां क्या आएगा? एफ एम कितना? 3 × 3 = 9, 5 × 4 = 20, 7 × 14 = 9, टोटल कितना? 9 × 9 = 18, 18 × 20 = 38, 38 × 10 = 48, 4 = 52, 52। मेरे को ऐसा लगता है 52, ठीक। तो ये कितना आया? 52 / 10, है ना? ये 0 हटेगा तो यहाँ डेसिमल लगेगा, यानी x बार कितना आया तुम्हारा? 5.2, और ये डेसिमल में आया तो इसको राउंड ऑफ नहीं करना, डेसिमल में ही काम चलेगा। अब क्या करोगे? क्या करेंगे सर? m माइनस x बार निकालेंगे, ठीक है? यहाँ पे 2 डंडे जरूर हेड़ देना, खींच देना, है ना? ठीक है, देखो अब क्या करोगे? अब पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पत्ती के तुमने यहां लिखा क्या है? m माइनस x बार, x बार की वैल्यू यहां लिख दो कितनी है? 5.2। m मतलब मिड वैल्यू, और यही वाली वैल्यूज उठाना, ये मत उठाना ना इधर उठाना, है ना? क्योंकि ये पता पड़ा बाजू वाले का ले लो तुम, दिए जाओ सटासट, और वो मजा आ गया, फोड़ के आ गए रिजल्ट में, अपन फूट के आ गए, ऐसा मत करना। तो ये लेना है, तो 3 - 5.2, तो ये 2.2, सही है? 5 - 5.2 यानी 0.02, 7 - 5.2 यानी 1.8, 9 में से ये गए तो कितना? 3.8। अरे वो 0.2 है ना, है ना? इससे छोटी वैल्यू में जाएगा तो 0.2 का असर नहीं होगा, लेकिन 5.2 से ऊपर की वैल्यू में जाएगा ना, 0.2 का भी असर होएगा। अब यहां पे क्या निकालोगे? एफ एम माइनस एक्स बार, मतलब अब क्या करना है? अब फिर से वही ध्यान रखना, क्या कि अब तुम्हें दिस इनटू दिस करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मेरे अगल बगल है मत गाने लग जाना, ठीक है? तो 2.2 × 3 कितना होगा? 6.6, है ना? फिर 4 का इसमें करोगे तो 0.8, नहीं 2 का मल्टीप्लाई 1.8 में, 18 × 2 = 36, 3.6, फिर 1 का 3.8 में तो 3.8 कितना आया बेटा? ये 6 × 6 = 12, 8 × 8 = 14, 14 × 12 =
2.8 और 12 14.8 मेरे हिसाब से। नहीं नहीं ऐसा नहीं देखते कर लो टोटल एग्जाम में पीछे देखोगे क्या? ठीक है बराबर। चलो तो बताओ भाई अब क्या फार्मूला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला क्या है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला है सर समेशन एफ एम माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो एम डी एक्स बार इज इक्वल टू 14.8 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हटाएंगे सर तो यहाँ पे लग जाएगा 1.48। ठीक है सर, कोफिशियंट लगाओ, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये जो मीन डेविएशन आया ना इसको डिवाइड कर दोगे तुम कहाँ से, मीन से। मीन कितना है 5.2। बताओ भाई 0.0 ही कुछ आएगा, जीरो पॉइंट टू एट बहुत है ठीक है ना। कितना लिखेंगे, कभी कभी लिख देता हूँ 3-4 digits। एक बार फिर से मीन डेविएशन जिससे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा सबसे पहले तुम वो कैलकुलेट करोगे। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला कैलकुलेट मीन डेविएशन। अपन ने निकाल लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो सबसे पहले अपन ने कंटिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू कैसे निकालते, 2 का टोटल करो 2 से डिवाइड करो, 2 को जोड़ो 2 से डिवाइड, 2 को जोड़ो 2 से डिवाइड, मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू का फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई मारा तो यह आया, यहां से अपन ने निकाल लिया मीन डेविएशन मीन। फिर मीन से हमने क्या करा, मिड वैल्यू से मीन का डेविएशन निकाल लिया और इस डेविएशन को हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको हमने फार्मूले में पुट कर दिया, पूरा आ गया। सर इसी क्वेश्चन को यदि मीडियन से करना हो तो गाना गाओ, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके हरे। क्यों ऐसा क्यों, ट्रेजेडी किंग हो गए तुम? तो देखो यदि इसी क्वेश्चन को तुमको फ्रॉम मीडियन करना हो तो क्या करोगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन यदि ये निकालना है तो ब्लू है पानी पानी, ब्लू कलर से सॉल्व कर रहा हूं। देखो तुम्हारा पूरा डाटा ये है ना, मीडियन निकालने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहला कदम हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज है तुम्हारे पास, ये दो लाइनें हैं, सबसे पहले क्या करते तो घर जाके आज पहले मीडियन देखो फिर अपन आगे बढ़े। सबसे पहले हम सीएफ निकालते हैं, बोला था ना बड़ी है चंद्रमुखी ना पारो एक और पैक मारो, याद रखना इससे। अरे सबसे पहले क्या करते हैं, सी एफ निकालो कितना आएगा, 3, 7, 9 और 10 ठीक बराबर। फिर छोटा एम निकलता है, छोटे एम के लिए क्या करोगे, एन बाय टूथ आइटम। एन कितना है, समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी 10/2 यानी फिफ्थ आइटम। अब ये फिफ्थ आइटम कहां ढूंढोगे, चंद्रमुखी ना पारो एक और पैक मारो ये यहां पे आएगा क्योंकि सीधा 5 तो दिया नहीं है, तो ये वाली लाइन को तुम क्या सेलेक्ट कर लोगे, क्लास इंटरवल है ना। अब तुम क्या करोगे, बड़ा एम का फार्मूला लगाओगे, क्या फार्मूला है, एल वन प्लस एन बाय टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ इन टू क्या आई, यही फार्मूला है क्या, यहां पे सी एफ है
यहाँ पे सीएफ है, और सीएफ कौन सी लेना है, जो तुमने क्लास सेलेक्ट की है, जो तुमने क्लास सेलेक्ट की है उसके ऊपर वाला। तो तुमने ये 7 सेलेक्ट किया था, इसके ऊपर वाला सीएफ है, और ये क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है, इसको रख दो। तो तुम्हारी लोअर लिमिट क्या बेटे, 4+ n/2 तुम्हारा 5 माइनस सी एफ 3 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 4 इंटू आई। आई का मतलब आई आई आई, दो ही के डिफरेंस की याद आई, 4 - 6 2, तो ये कैपिटल एम कितना आया, 4+2/4 × 2, ये सब निपट सुलझ गए, कुछ नहीं बचा ना, तो ये कितना आया, 4। मीडियन तुम्हारा कितना हुआ, 4। अब तुम यहां पे क्या निकालोगे बेटा, एम माइनस मीडियन, डिफरेंस मिड वैल्यू से ही लेना है, यानी तुम्हारे पास क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू तीनों चाहिए, उसके साथ में क्या चाहिए, सीएफ, ठीक है। तो यहां निकाल लो बेटा, कैसे करोगे, मिड वैल्यू ये कितना है, 4, मिड वैल्यू कितनी, 3, 3 - 4 - 1 लिखूं, नहीं, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलर लगा है तो प्लस का आएगा, तो 1, फिर क्या है, 5, 5 - 4 1, फिर क्या है, 7, 7 - 3, और उधर 9 है तो 5, ठीक है, बराबर है क्या। अभी एक और लाइन चाहिए, कौन सी वाली चाहिए, ये अपन ये वाले हटा लेते हैं ना थोड़े से, देखो m is equal to, बड़ा m is equal to, तो ये अपनी लाइन आ गई ना, ये एडजस्टमेंट हो गया अपना। अब यहां पे क्या लिखता हूं, f मॉड्यूलर छोटा m माइनस m e, दिख जाएगा यार, देख लेना, नहीं तो सुन के काम चला लेना। फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, डेविएशन में, और डेविएशन कौन सा लेना है, मिड वैल्यू से मीडियन का, ये वाला, यानी अब हमें करना है दिस इंटू दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, गैप थोड़ा लंबा है, कंफ्यूज मत होना, ये मैं सब में स्टार मार देता हूं, बना देता हूं, है ना, ये स्टार स्टार वालों का अपने को मल्टीप्लाई मारना है। तो 3 का 1 में करोगे तो 3, फिर 4 का तुम 1 में करोगे तो 4, बहुत बढ़िया, देखा मेरा मैथ तो बहुत फास्ट है, 2 × 3 किया तो 6 और 1 में 5 कर दिया तो 5, टोटल 6 × 4 = 18, ठीक है। अब तुम क्या निकालोगे, एम डी फ्रॉम मीडियन, क्या फार्मूला है तुम्हारा, समेशन एफ एम माइनस बड़ा एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक, बस रख दो एम डी। तो ये कितना आया तुम्हारा, 18 / 10, यानी 1.8, ये 0 हटेगा तो 1 दशमलव लग जाएगा। सर कोफिशियंट बता दो, ये लो कोफिशियंट भी ले लो, कोफिशियंट कितना, कोफिशियंट ऑफ एम डी यही 1.8 डिवाइडेड बाय मीडियन, कितना आएगा, 0.45, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब एक और बचता है मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, लेकिन मॉड में मजा कब आएगा बेटा, जब ग्रुपिंग टेबल बोले, है ना, तो क्वेश्चन अपने आप में मजेदार हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, थ्रिलिंग है ना। सर हम उसका क्या करें, छोड़ के आ जाओ, अरे टाइम खराब करने से क्या मतलब है यार, 2-3 नंबर के लिए, अरे बहुत लंबी प्रोसेस है ना, एग्जामिनर इतना देता नहीं है नॉर्मली, है ना, पर मूड है, कुछ भी, मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं तो मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन दू ही नहीं, मैं तो सीधा क्या लिखूं,
कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मोड. देखो मीन मीडियन मोड भी निकल गए, ये भी निकल गया. एक कोश एक तीर से चार पांच छह शिकार हो जाएंगे, है ना, कोफिशिएंट भी निकल जाएगा, बराबर है. चलो ठीक है, अब मीडियन मोड से करने के लिए हमको इसको रफ करना पड़ेगा. भर गया है तो फिर समझ में नहीं आ जाएगा, खिचड़ी बनेगी ना. अभी ब्लू है, ब्लू है पानी, पानी मीडियन है, और काला काला मीन है. ठीक है, हटाऊं अब इसको. अच्छा सर ग्रुपिंग टेबल का क्या, तो बेटा तुम क्या करना, कंटिन्यूस सीरीज आ जाए और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बोल दे, तो तुम हमेशा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ले लेना और उसको लगा करके तुम मोड निकाल लेना. ठीक, कैसे निकालना अभी देखते हैं. हटा दूं इसको या नोट करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना. ये लड़की मेरा फोटो नहीं खींच सकती बोर्ड के साथ. हटा तो मेरे को व्हाट्सएप में भेज दिया करो, यही है सब फोटो. हाँ हाँ मोड में भी कंटिन्यू वो सीएफ लगता है क्या? नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड है ना. बस ये तीन तो चाहिए अपने को, है ना, ये तीन चीजें तो अपने को चाहिए. ठीक है यार, फिर पेन अपना गुम हो गया, ये कुछ नया दिख रहा है. हाँ सही है, चलो ये हो गया अपने पास. अब अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़े, चार की. इसको अपन क्या ले लेंगे, क्लास इंटरवल. तो बस मोड निकाल लो, जेड का फॉर्मूला एल वन प्लस बताओ एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू ii, है ना. तो देखो जो हमने सेलेक्ट किया वो f1 है, उसके ऊपर f0 है और इसके नीचे f2 है. तो z इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है, 4 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 4 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2. 2 कैसे, इन दोनों का डिफरेंस. तो मोड क्या आया, 4 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 दून 8, 8 में से 5 गए तो 3, तो कितना आया 4 प्लस 0 पॉइंट कितना आएगा, 6666666666, है ना, 67. तो मोड कितना है, 4.67. ठीक है, यहां निकालेंगे हम m माइनस मोड. तो करो ये हटा देता हूं अब. चलो 3 माइनस 4.67 यानी 1.67, ये कितना होगा 0.33, ये कितना होगा 2.33, करके देखो तो. ठीक है, मैथमेटिक्स तो अपनी हाई क्लास की थी ना,
देख अब यहाँ f m माइनस जेड बराबर है। नॉर्मली मीन डिविजन फ्रॉम मीन और मीडियन ही आता है, मोड नहीं आता, वो तो अपन सीखे ले रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी में करना है तो 1.67 इंटू 3 5.01 0.33 इंटू 4 1.32 फिर 2.33 इंटू 2 4.66 और 1 इंटू 4.33 ये है 4.33 फिर इनका सबका टोटल 15.32 ठीक। अब तुम्हारा मीन डेविएशन एम डी फ्रॉम मोड कितना आएगा 15.32 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 1.532। कोफिशियंट कैसे निकालोगे, 1.532 डिवाइडेड बाय कितना आया था ये 4.67 तो 1.532 डिवाइडेड बाय 4.67 0.33 0.328 आ रहा है, उसको मैंने राउंड ऑफ करके 0.33 कर दिया ठीक है। नोट कर लो गाइस, हे राम ठीक है। क्या हम मीडियन को खत्म कर दें अब या कुछ और क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करके देख लेना, नहीं बनेंगे तो बता देना ठीक है। अच्छा सर, सर इसमें ओपन एंडेड मिड वैल्यू और ऐसी वैसी कोई सीरीज आ सकती है? यस बिल्कुल आ सकती है, लेस देन मोर देन। तो सर उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए वही करना जो तुमने मीन के लिए किया, जो तुमने मीडियन के लिए किया, जो तुमने मोड के लिए किया, वही अरेंजमेंट करना जो तुमने किया होगा वहां, है ना। यदि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो तुम वो तरीके अपनाना जो तुमने मीन के लिए किए होंगे, 6 केसेस हमने स्पेशल पढ़े थे। मीडियन के लिए वो करना जो तुमने वहां 6 केसेस पढ़े हैं, बराबर है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। अब हम जाते हैं मोस्ट डेंजरस आइटम, जो बहुत गधा माली वाला काम है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन ठीक है। अब हम जाएंगे क्वार्टाइल डेविएशन में, क्वार्टाइल डेविएशन को इन, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लो और फिर हम मिलेंगे अगले भाग में, धन्यवाद।